आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ। बोतल कुछ नई पर उसके अंदर का जल वही पुराना। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये तमाम बातें कहीं अगर कांग्रेस ना होती तो। फिलहाल इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए ये जो भाषण दिया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अटैक किया कांग्रेस पे, हाँ जी, ये उनकी गरिमा से बाहर है और झूठ बोला है। और ये पार्लियामेंट के अंदर इनको नहीं बोलना चाहिए था। अब कांग्रेस ना होती तो आप आज आजाद भी ना होते। ये सही है कि महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा था क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को डिसॉल्व किया जाए और नई पार्टी बनाई जाए जो हिंदुस्तान की हुकूमत को आगे चलाए। अब इनका ये कहना कि साहब गोवा जो है वो कांग्रेस ना होती तो 15 साल पहले आजाद हो जाता, ये गलत है। गोवा एट दैट टाइम वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। अब पोर्चुगीज रूल के साथ उनको नेगोशिएशन करनी पड़ी और 47 के लेके 41 में आई बिलीव गोवा पोर्चुगीज रूल से छुड़ा लिया गया और हिंदुस्तान में शामिल हो गया। बाकी जो स्टेटें थी, जो हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये सारी की सारी इंडियन रूलर के अंडर थी। तो इसलिए दोनों में, गोवा में और इंडियन स्टेट्स में फर्क बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो पॉलिटिकली इन दोनों को हल करना चाहिए था। अब इन्होंने ये कहा कि साहब 84 में सिखों का कत्ल ना हुआ होता, सिखों को पे करना पड़ा जो उस वक्त हालात हुए। एक औरत, एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, और उनका कत्ल हो जाना वो किसी को बर्दाश्त नहीं था। जिसका खमियाजा सिखों ने दिया। तो अगर बीजेपी ना होती तो माइनॉरिटीज का तौर गौ रक्षक के नाम पे भी लिंचिंग नहीं होती। तो ये सवाल क्या है? ये तो मुद्दा गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। इसको जो हमें हिस्ट्री से सबक लेके आगे का जो हमारा कल आने वाला है उसको संवारना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने वादा कर लिया है कि वो 100 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अच्छी बात है, आपको कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, आपकी जो सरकार बनती चली जाएगी, आपको इसमें नाराजगी की क्या जरूरत है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए कि कमजोर हो गई कांग्रेस। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के लीडरों के पीछे उस वक्त सारा हिंदुस्तान था। जी, मैं जी, बच्चा था और मैं भी शामिल कभी कभी दिल्ली में जलसे होते तो होता था। लेकिन आज क्या देखता हूँ कि बीजेपी के पीछे सारा हिंदुस्तान नहीं है बल्कि अलग अलग स्टेट है। जी। आज मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं आंध्रा का हूँ, मैं कश्मीर का हूँ। कोई कमबख्त नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। जी। तो बंटवारा तो उन्होंने आप कर रहे हैं ऐसी बातें करके। आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? जज्बा पैदा कीजिएगा हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी होने का। तो ये चीजें गलत हैं। अब आप कुछ भी कहते रहे तो ये मतलब नहीं है कि आपने जो कह दिया वो सही है। अब जो ये आपस में ट्विटर पे एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, ये तो ऐसे है जैसे पहाड़गंज में दो लड़के लड़ रहे हैं अपनी गली के अंदर। जी जी। क्या ये शोभा देता है कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या कोई भी अच्छा लीडर हो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे? मेरी समझ से तो ये बाहर है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक।
सर, जिन बिंदुओं पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले आपने, ठीक है मैं समझ गई वो गलत था, लेकिन हम ये जाना, देखिए जब बात इमरजेंसी की आती है तो उस पर राहुल गांधी ने भी पिछले साल कहा था कि जो हुआ वो दुखदायी था, वैसा होना नहीं चाहिए था, वो खुद ये कह चुके हैं। वो फैसला जो था वो एक बड़ी भारी भूल थी कांग्रेस की ओर से। लेकिन जब बाकी मसलों पर भी बात हम करते हैं, जब ये अतीत उनके सामने लाया जाता है, जैसे इस बार भी संसद में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाया गया है, अक्सर कांग्रेस उस पर पलटवार क्यों नहीं कर पाती है फिर? जी, पलटवार इसलिए नहीं कर पाती है कि उनके एडवाइजर ठीक नहीं है, और पलटवार मैं कहता हूं कि नहीं भी करना चाहिए। जो गलत बात है गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार डिबेट करने के लायक ही नहीं है। अभी आप डिस्कशन पे आप आइएगा तो अच्छी बात है, डिबेट में मत आइएगा। आप अगर डिस्कशन और डिबेट का मतलब जानना चाहती हैं, गूगल करके समझ जाइएगा। नहीं सर, वी नो वेरी वेल, ये भी डिस्कशन प्रोग्राम ही है, ये डिबेट प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये होती है डिबेट होती है यहाँ पे। अभी नफरती चेतू इतने आते हैं जो इतने गलत कटाक्ष करते हैं जिसकी के हद नहीं है, मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं सर, वो हम लोगों की ओर से भी बहुत बार बोला जा चुका है कि अगर एक दूसरे के विचारों पर ना कुछ बोला जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। हम एक बार फिर से ही अपील, जी टीवी पे तो नहीं बोला, शो पे तो नहीं बोला सर, शो पे हम कई दफा बोल चुके हैं, ये अलग बात है, मे भी शायद आपने वो सुना ना हो, लेकिन कई बार ये हम बोल चुके हैं कि अपने अपने सबके पर्सपेक्टिव है, सबका वेलकम किया जाता है, लेकिन एक दूसरे के बयानों पर गलत टिप्पणी ना की जाए तो ये सही। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक को सुनता हूँ और हर एक के विचार अलग अलग हैं, सब मेरी तरह नहीं सोचते और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम विचार अलग अलग सुनेंगे हमें कोई अच्छी चीजें मिल सकती हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। चलिए, उम्मीद है सर आपकी बात पूरी हो गई है। जी थैंक यू सो मच सर, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच।